ना सपोर्ट के क्या करना नरेशन। देखो नरेशन में है बाबू सब लोग कि अगर वाक आपका सुनो ध्यान से, अगर इसमें दो चीजें होती है, क्या होता है रिपोर्टिंग बार एक रिपोर्टिंग स्पीड लगो तो एकदम ध्यान से देखो सीखो। एक दो चीजें होती है इसमें तो कुछ पर्चे करा देते हैं, एक आपका होता है रिपोर्टिंग बार्ब, एक होता है रिपोर्टिंग बार्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीड। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है बाबू, ये ध्यान रखना है। एक रिपोर्टिंग बार्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग बार्ब कैसे पहचानेंगे, वाक्य में साइड आ गया या वाक्य में से आ गया, वाक्य में सेज आ गया बस, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच जो डबल एटक कमक के बीच में, जो डबल एटक कमक के बीच में होगा वो क्या होगा रिपोर्टिंग स्पीच, आई सब का होता है रिपोर्टिंग बार्ब। अब सुनो ध्यान से, साइड को साइड में रखो, अकेले है तो से को टेल में, नहीं अकेले चलिए अकेले है तो वही लिखेंगे, अकेले है तो वही रखेगा, अकेले है तो वही। लेकिन एक मिनट सुनो, इसके साथ अगर टू लग गया है, क्या लग गया है टू, जैसे साइड टू आ गया, जैसे साइड टू आ गया, जैसे से टू आ गया, तो समझना बाबू ध्यान से, आज बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। जैसे से टू आ गया तो साइड टू किसमें बदलेंगे, टोल में, किसो मतलब है सेट हुआ, किसो मतलब है टेल में, टेल में सेट हुआ, किसो मतलब है टेल्स में। देखो तुम लोग एक सेकंड में याद होता चला जाएगा, टू रहेगा तभी चेंज होगा, टू नहीं रहेगा तो नहीं चेंज होगा। अब देखो एक और कहानी बताते हैं सेट के लिए, अगर 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 वाक इंट्रोगेटिव में होगा, किसमें होगा बाबू इंट्रोगेटिव में, पर्चे आपको दिला रहे हैं पहले, तो हमेशा साइड को आस्क में चेंज करते हैं, आस्क में। अगर अगर सहायक क्रिया शुरू होगा तो इफ, सहायक क्रिया का मतलब है जाय भाइट कैन कुड मे माइट साइड शुड शुड, ये सब होता है तो इफ, प्लस आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसको ऐसे ही। देखो इफ के बाद नो सीधे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, भी ध्यान रखिएगा, इफ के बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तब आपका हेल्पिंग वर्ब होगा अंत में फुल स्टॉप होगा। अच्छा एक सेकेंड टाइप का भी होता है इसमें, सेकेंड टाइप में होता है कि साइड को तो आस्क में बदल देंगे, सही है, इसको आस्क में बदल देंगे एकदम ठीक ठाक है, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफ यूज नहीं करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी को यूज करते हैं। जैसे व्हाट आ गया, हाउ आ गया, वेयर आ गया, ठीक है, व्हाट आ गया, हाउ मेनी आ गया, हाउ वेयर आ गया, हाउ मेनी, ये सब आ जाता है तो उसको लिखते हैं। अच्छा एक और होता है ना, आपको मालूम भी है, इम्परेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसमें देखो साइड को, किसको साइड को जब आदेश दिया गया होता है तो किसमें बदलते हैं, ऑर्डर्ड में, इसके बाद से टू लगाते हैं। सुनो आदेश दिया तो बात मत करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती किया जाता है कि आप जो पढ़ने के लिए आए हैं तो इंटेलिजेंट बनिए, और क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर यह आ जाता है गलत कर देते हैं तो सब आपका ये माने, अगर गलत हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा। सर अरुल आपको इसलिए बता रहे हैं, आज हो चाहे कल हो ऐसा कोई बात नहीं, दिमाग में सेट रहेगा। ये भी बात जानिए कि जो विषय अगर आज है और सोचे कि आज हम पढ़ करके जाकर लिख देते नहीं लिखा पाए, ध्यान रखिएगा, आज जो विषय है सोचे कि हम पढ़ लें जा करके लिख दें नहीं लिख पाएंगे, आज अगर पांच लाइन याद करेंगे तो दो लाइन नहीं लिखा पाएगा, तीन लाइन गायब हो जाएगा, इसलिए उसको पहले से तैयारी करते चलिए, समझ रहे हो। अब मान लीजिए कि जो आपने साल भर में 70 नंबर तैयारी किया वो एक दिन में जाएंगे तो अंतर तो ही जाएंगे। सरकार बनाया है जो सिस्टम कि आप साल भर पढ़ेंगे तब आपके पेपर होगी, इसलिए धीरे धीरे रोज रोज तन तन पढ़ता रहना चाहिए, इसलिए आपको रिपीट किया जाता है। चलो ठीक है, आर्डर लिखेंगे टू, आप बाकी सब जैसे होता है बाकी को वैसे लिखा देते हैं। साइड होगा, सलाह दिया गया होगा, क्या करोगे, सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, एडवाइस में चेंज करेंगे प्लस टू, बाकी जो वाक्य होता है वैसे लिख देते हैं। साइड होगा, साइड होगा, अगर इसमें आपकी का प्रार्थना अगर प्रकट किया गया है, का प्रार्थना किसमें चेंज करने वाले हैं, रिक्वेस्टर, बताओ किसमें चेंज करने वाले हैं, रिक्वेस्टर में, प्लस आपका टू वैसे ही रखेंगे, प्लीज वगैरह जो होगा हटा देंगे। साइड होगा, साइड होगा, सुनो सर ध्यान से, लेट अस होगा तो किसमें चेंज करते बताओ, प्रपोज में, सबको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा अंग्रेजी अब ज्यादा पढ़े, प्लस डेट होगा, प्लस जो आने शब्द होगा उसको वैसे ही हम लोग लिखते हैं, डेट के बाद आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सूड हमेशा लिखेंगे, सूड हमेशा लिखते हैं हम लोग। साइड होगा, साइड होगा, साइड होगा, और लेट में होगा तब का लिखेंगे आप, हाँ इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करके बाकी जो वाक होता है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, प्लस लेट को हटा देते हैं, प्लस टू लेट, हाँ लेट नहीं हटा, आगे लेट के पहले टू लगा, ये रूल है, ये रूल है, सब लोग लिखे होंगे, केवल आज समझने की बात आपकी है, आज लिखने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, अच्छा टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर हम लोग कम पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जल्दी से आते हैं। बताओ इंपरेटिव में अपटेटिव में ही पढ़े होंगे, जब प्रार्थना अपटेटिव में आपका ये होता है कि जब वाक्य में इच्छा प्रकट किया गया, वाक्य में शुभकामना प्रकट किया गया, तो हमेशा हमेशा साइड को किसमें साइड को किसमें बताओ बीस्ट में चेंज करता है। कहा जब शुभकामना दिया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी ब्लैक डे, हैप्पी हग डे, जो भी आपका होता है इसमें आपका जो भी होता है सब मिले आपने चले साइड आते हैं साइड साइड से। जब वाक्य में दुख प्रकट किया गया, दुख प्रकट किया गया, दुख कब होता है भाई? कलेजा में जब दर्द होता है तब। तो इसको किसमें बदलते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेंट सारे बदलते हैं। अगर खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेमेंट भी जॉय में बदलते हैं। अगर आपकी आश्चर्य की बात होगा तो एक्सक्लेमेंट भी सरप्राइज में। वाह कितनी सुंदर थी आज की रात, बड़ा सुहावना थी आज, बारिश का हमने आनंद लिया, समझ रहे हैं ना? आज रात, आज की रात तूफानी रात थी, ये सब आश्चर्य प्रकट करता है। वो मेरे कलेजा में हल गई, आश्चर्य प्रकट करता है मेरे कलेजा में क्या हो गई, हल गई, सुबह हली और शाम को हार्ट अटैक हो गया, निकल भी गई। ये होता है आपका, चलते हूँ। हाँ तो सब लोग समझ गए क्या? आप लोग कोई दिक्कत है बताइए। अब मैं आपको चाहता हूँ तो नहीं बनाया जाए कुछ वाक्य को, कुछ वाक्य बनाया जाए। डे साइड सब लोग समझो, डे साइड वो कहा क्या कहा क्या कहा, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल। बनाओ सब लोग बनाओ, पीछे वाले बच्चे बनाओ, पीछे वाले बच्चे बनाओ इसको, पीछे वाले बच्चे बनाएंगे, खूब आराम से बनाओ इसको। कहा गया ही साइड लेट अस गो टू स्कूल, अगर किताब में देखेंगे तो नहीं बन पाएगा। आपको नियम बताया गया, जब लेट अस आए तो क्या करना है, प्रपोज में फिर किसका यूज करना है, डैश का, लेट को हटा देना है, आस को किसमें बदलना है, दे में, दे के बाद क्या रहेगा, शुड, बाकी के वाक्य से उतार देना, बाकी जो वाक्य होगा उसको ऐसे उतार देना। कुछ समझे जी? क्या करवे, दे वही ना लिखाई, साइड के प्रपोज में चेंज कर, डैश लगाओ, लेट हटाओ, आस के दे में चेंज कर, शुड कर, ओके बस गो टू स्कूल, बन गई। आप लोग बना लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर आपसे कोई कहा सी साइड, सी चलो भाई शैलेश बता रहा है, शैलेश बता रहा है सी से दलास वी आर यूनिट, बताओ तो। हाँ बोला, हाँ वी आर, हाँ हाँ वी आर यूनिट लिखे, यूनिट रिन्यूअल माना होता है बर्बाद होना, नष्ट होना, यू आर, चलो और देखना ये गलत है, गलत है, यू आर सेंटेंस वेरी वेरी करेक्ट इन इन करेक्टली। हाँ बनाएंगे इसको, हाँ सी एक्सक्लेमेंट विद सारो डैड और डे दे वेयर यूनिट, हाँ दे वेयर, हार नहीं चेंज करोगे वैसे छोड़ो बे। अरे ये जा रहे हैं आज वेयर में चेंज होता है यार, अगर हाई जाएगा तो कई में हाइट में, जेन रहेगा तो कुड में, मे रहेगा तो हाइट में, साल रहेगा तो शुड में, विल रहेगा तो उड में, मेरा आएगा तो माइट, मस्ट है तो मस्ट में रखेंगे, माइट है तो माइट में रखिएगा, कूड है तो कूड में रखिएगा, और सूड है तो सूड में रखिएगा। सजाज बाबू देख लो तुम क्या बनी, तो बहादुर लिखा हुआ सी होगा, असाइड को एक्सक्लेमेंट भी। अच्छा सारो क्यों लिखा रहा है भाई, दुख की बात है, एक्सक्लेमेंट भी सारो, सारों से पहले हमारा लो किसने था डाइट, अल्लाह से राजे भी के में क्यों दे में, क्यों दे में देव यार यूनिट, देव यार यूनिट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें नरेशन में? अगर नरेशन आ गया रूल आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना लोगे सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर आर्टिकल्स आया भरने के लिए तो भरा जाएगा, ये भरने वाले तो आप काम करिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वॉइस आइए, वॉइस कहाँ पर चलते हैं हम लोग, वॉइस के पास चलते हैं। वॉइस का मतलब, हाँ वॉइस का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, चलो ध्यान से, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना।
अच्छा देखो एक्टिव से पैसे भाई जो बहुत आसान है और आपके बोर्ड के पेपर याद बा प्रेजेंट रिमिटेंस का रूल बताओ पहले।